हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्रियानी बीस के एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ या स्पेसिफिकली कहें तो चार्जर के साथ में आने वाली जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास में यो ड्रिफ्ट। हालांकि इसमें गाड़ी का नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास में कोई सी भी ब्रांड की गाड़ी है तो चार्जर से संबंधित ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। बारिश का थोड़ा सा टाइम है, गाड़ी भीगी हुई है। ये है हमारे पास में इसका चार्जर, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 25% से लेके तो 50, 75 और 100% का इंडिकेटर दिया हुआ है। अब जैसे हम इसके प्लग को प्लग इन करते हैं कुछ इस तरीके से, वैसे यहाँ पर ये जो रेड LED है ये आती है। सामान्य रूप से ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, जैसे आप प्लग इन करेंगे तो LED आएगी। लेकिन जैसे ही हम इसको यहाँ लगाते हैं इसके चार्जिंग सॉकेट पे, इस जनरल प्रोसीजर में अब यहाँ पर चार्जर को ऑन हो जाना चाहिए। पर आप देख सकते हैं ये LED ब्लिंक करना शुरू नहीं की इन्होंने, और फैन भी ऑन नहीं हुआ है। थोड़ा सा हम हिला के अगर देखते हैं सॉकेट को तो किसी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है इसमें। नहीं देखिए, अब इस केस में क्या हो सकता है, आइए डिस्कस करते हैं और फाइनली एक सोल्यूशन पर पहुंचेंगे। हमें उम्मीद है कि चार्जर ओके है, अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है ये हमें डायग्नोस करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये जो चार्जर हैं इनको हमें समझना होगा कि ये जो चार्जर हैं केवल तभी ऑन होते हैं जब यहाँ पर आपको जो अंडर वोल्टेज जो रेटिंग है वो वोल्टेज जब इससे इनपुट होगा तब जाके अंदर का सर्किट ऑन होता है। तो इस चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम इस चार्जर को किसी दूसरी गाड़ी में लगा के चेक कर लेते हैं। जैसे ये जो XL आप देख रहे हैं सामने, ये 48 वोल्ट की है, लेकिन इस गाड़ी का जो वोल्टेज है वो भी अभी 50 वोल्ट के ऊपर होगा, और 60 वोल्ट का चार्जर 52 वोल्ट से ऊपर डिटेक्ट कर लेता है। तो अगर इसमें हम यहाँ पर इसको लगाते हैं तो ये हमने लगा दिया है, लेकिन चार्जर अभी भी ऑन नहीं हुआ है। अब क्योंकि इस गाड़ी का तो हमें कंफर्म है कि इसका सॉकेट भी ओके है, गाड़ी भी ओके है, इस गाड़ी के बारे में हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हमें अब इसको हम निकाल लेते हैं और चार्जर को भी निकाल लेते हैं। और गाइस, यहाँ पर अब हमें लेना है एक मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर को सेट करना है DC 200 वोल्ट रेंज पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों पिनें हैं, इन पिनों में हमको इसकी प्रोब को लगाना है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये मैंने प्रोब को लगाई तो ये 57 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब कि इसके सॉकेट में जो आउटपुट आना चाहिए वो आ रहा है, अंदर से गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर ये चीज़ को टेस्ट करने के बाद में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी ओके है, प्रॉब्लम चार्जिंग की है। अब आइए चार्जर को लेके चलते हैं। तो गाइस, यहाँ पर अब हम अपना चार्जर ले आए हैं। आप देखिए पीछे की तरफ से इसमें चार नट दिए हुए हैं, लेकिन खोलने से पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपका चार्जर वारंटी में है, कंपनी वारंटी में है, तो ये जानने की कोशिश कतई ना करें, सीधे वारंटी पे लेके जाएं डीलर के पास में और उनको दे दें, आसानी से आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर वारंटी में नहीं है तभी इन नटों तक आपको अपना स्क्रू ड्राइवर लेके जाना है, और वही हम करने वाले हैं क्योंकि ये जो कस्टमर है इनकी वारंटी ख़त्म हो चुकी है, एक साल से ज़्यादा ये हो चुके हैं। तो फिलहाल अभी हम इसको खोल लेते हैं। तो वैसे कुछ इस तरीके से हमने चार्जर को ओपन कर लिया है। ध्यान रखिएगा कहीं भी हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि इसमें एक कैपेसिटर होता है जो कि आपको एक अच्छा खासा शॉक दे सकता है। पर चूंकि चार्जर में इंटरनल फॉल्ट नहीं है इसलिए हम AC लाइन की तरफ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे सीधे DC लाइन की तरफ, DC का आउटपुट जो कि इसमें आता है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉबिलिटी ये हो रही है क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही चार्जर को, इसलिए ऑन नहीं हो रहा है। तो हमें सबसे पहले तो जो फिज़िकल ऑब्जर्वेशन है वो देखना है कि कहीं कोई कंपोनेंट जला तो नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे फ्यूज़, फ्यूज़ ओके है, फिज़िकली मुझे दिख रहा है। अब ज़्यादा देर ना करते हुए जो सबसे पहली प्रॉबिलिटी है कि कॉर्ड ख़राब हो सकती है, तो उसके लिए हम सबसे पहले जो मल्टीमीटर है उसको बीप मोड पे लेके आएंगे। बीप मोड एक ऐसा मोड होता है जिसमें दोनों प्रोब को अगर जब हम शॉर्ट करते हैं
तो बजर की आवाज आती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए, तो ये बजर की आवाज आ रही है अभी फिलहाल। तो आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, किसी एक में भी आप पहले ये लगा लीजिए एक प्रोब को, और जो दूसरी प्रोब है, ठीक है, इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर ये दो लाइन है, ये दो बड़े स्पॉट हैं जहाँ पर से वायर निकले हुए हैं। तो सबसे पहले एक को आप इन कर लीजिए इसमें, दोनों पे लगा रहे हैं, तब भी कोई बजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी लगाया और यहाँ पे भी लगाया, ठीक है, दोबारा लगाते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये प्लस में बज़र आ गया है और माइनस में अभी भी नहीं आया। तो जहाँ पर अब देखिए, प्रॉब्लम यहीं पे मुझे कुछ कुछ समझ में आ रही है कि माइनस का इसमें जो कनेक्टिविटी है वो नहीं आ रही है। ये देखिए, ये माइनस पे इसमें आना चाहिए लेकिन नहीं आ रही है। अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक वायर सही होता है, जो जहाँ से मोमेंट होता है वायरों में, अधिकतर वायर जो सॉकेट है वो यहीं से ख़राब होते हैं। तो हम इसको बहुत ज़्यादा पास से नहीं, यहाँ से काटेंगे, तो सॉकेट है वो यहीं से ख़राब होते हैं, तो हम इसको बहुत ज़्यादा पास से नहीं, यहाँ से काटेंगे और तो हमने देखा था कि माइनस का वायर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था। अब यहाँ पर हम प्रोब फिर से लगाएंगे और अब वायर के साथ थ्रू चेक करेंगे। सबसे पहले प्लस में लगाते हैं, बजर आ रहा है, और माइनस में लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर दोनों वायरों में बीप आ गई। कुल मिला के ये जो इसका सॉकेट था ये ख़राब था। अब आइए इसमें एक जो दूसरा सॉकेट है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। भाई इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार्जर अब जो है चालू हो चुका है, और अगर यहाँ पर हम एमआईडी की तरफ देखें तो यहाँ पर जो बैटरी पहले बार्स जो थे थोड़े कम बता रही थी, अब थोड़े बढ़ गए हैं इसके। पहले एक या दो बार ही बता रही थी, जैसे एक बार निकाल के देख लेते हैं कितना बता रही है। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक बार अभी कम है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक बार कनेक्टिविटी आने के बाद में ये 100% कुछ इस तरीके से दिखाती है, क्योंकि अभी हमने सॉकेट निकाल रखा है इसलिए ये कम दिखा रहा है। जैसे ही सॉकेट को वापस लगाते हैं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से ये बार बढ़ जाएगा, और यहाँ पे जो
जो हमारा चार्जर है वो भी ऑन हो जाएगा। अच्छा, ये कुछ ऐसा सिस्टम है कि इसको एक बार बंद करके हमें चालू करना होगा। तो देखिए, जैसे ही ये चार्जर ऑन हुआ, यहाँ पर जो बार थे वो पूरे शो होने लगे हैं और ये चार्जर ऑन हो गया है। 25% की रीडिंग जो है ये फ़िलहाल बता रहा है। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो जिसमें आज हमने आपको चार्जर की एक जो जनरल प्रॉब्लम है, आउटपुट कॉर्ड की जो प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करना और फिक्स करना बताया, आपको पसंद आया होगा। इसमें जो हमने सॉकेट यूज़ किया है ये वैसे मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन अगर आपका भी चार्जर, आपको डाउट है इसी तरीके से ख़राब हो गया, उसका सॉकेट ख़राब है, तो ये जो चार्जिंग सॉकेट का जो टॉप है वो आप श्रेयान ईवी से ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी कीमत शायद 45 से 50 रुपीज़ के बीच में है, जो शिपिंग चार्जेस है वो अलग रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए श्रेयान ईवी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।